नमस्कार, वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर हेडलाइंस पर। रामनवमी की दिखी शहर में धूम, 11,000 दीपों से जगमगाया रामझूला। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की अपील, कहा सभी समुदाय के लोग शांति बनाए रखें। और सोशल मीडिया पर बना दोस्त, देने लगा पैसों के लिए धमकी, लड़की ने कराई कलमना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी के अवसर पर सेंट्रल एवेन्यू संतरा मार्केट के समीप स्थित श्री राम मंदिर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रामझूला को 11,000 दीपकों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। मंदिर के प्रबंधक ट्रस्टी रामकृष्ण पोद्दार की प्रमुख उपस्थिति में मंदिर में सुबह राम जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना की गयी। रामकृष्ण मठ संकीर्तन मंडल द्वारा राम नाम संकीर्तन नगर के गायकों के साथ सामूहिक रूप से हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन किया गया। दोपहर में श्रीराम जन्मोत्सव की महाआरती हुई तथा बजरिया महिला समाज की बहनों ने बधाई गीतों का गायन किया, प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर भवन की बाहरी विद्युत सजावट, मंदिर सभा मंडप की सुगंधित पुष्पों की सजावट की गई थी। इसी के साथ नए मुकुटों से श्रृंगार किया गया था। मंदिर में सुबह से दर्शनार्थ भक्तों का तांता लगा रहा। श्री राम मंदिर सेंट्रल एवेन्यू में नगर के गायकों द्वारा संगीतमय भजन प्रस्तुत किए गए। हिंदू मुस्लिम में हो रहे झगड़ों के बारे में बोलते हुए राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भड़काऊ भाषण या भड़काने का काम दो समुदाय के लोगों के बीच किया जा रहा है। मैं मुस्लिम और हिंदू दोनों से गुजारिश करता हूँ कि संयम रखें। जो भी किसी भी तरह की घटना में लिप्त पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। पिछले कुछ दिन में जो मुंबई में और राज्य में एक भड़काऊ भाषण करके एक समाज के बीच में एक रिप तैयार करने की जो कोशिश हो रही है और उसके कारण लोग आपस में लड़ रहे और उनको लड़ने के लिए एक जानबूझ के इंस्पायर किया जा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों बहनों ने इसके बारे में अपना अपना एक कंट्रोल रख के, संयम रख के इसमें रहना चाहिए। पुलिस अपनी तरफ से पूरी ध्यान रख के काम कर रही है। जो भी गलती किसी की होगी मिलेगी वो उसको छुड़ानी चाहिए। नहीं, मैं तो इसलिए यही कहता हूँ ना कि अपने देश में सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा रहने का जो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, आजकल राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा लगाकर, दो समाज में झगड़ा लगाकर आज जो कोशिश की जा रही है उसका उसे नुकसान हो रहा है। विकास की बात करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, लोगों के प्रश्न के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन आजकल सिर्फ यही एजेंडा है और वो एजेंडा में एक समाज में अशांतता निर्माण करने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसमें तो ऐसे एक सामाजिक अशांतता निर्माण करने के लिए कोई भी उसमें मिलेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस थाने में 10 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें एक लड़की और लड़की की सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़का उस लड़की को पैसों के लिए फोन कर धमकी देने लगा। इस मामले की शिकायत लड़की ने कलमना पुलिस थाने में की है। इस पर पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने युवाओं को सोशल मीडिया पर अज्ञात लोगों से दोस्ती करने से पहले उनका बैकग्राउंड एवं आइडेंटिटी की जाँच करने की सलाह दी है। कल हमको एक माहिती मिली थी कि एक 14 साल की लड़की है, उसके साथ में एक लड़का है, उसने कुछ दुष्कर्म किया है। ये माहिती मिलने पर हमने त्वरित पुलिस स्टेशन की टीम रवाना की गई और जो आरोपी है उसको रात में ही ताबे में लिया गया था और उसके साथ पूछताछ की गई। पूछताछ करने पे सामने आया कि वो लड़की के साथ में पिछले कुछ दिनों से लड़के के संबंध थे और
उसके बाद में ये लड़के ने उसके साथ में दुष्कर्म किया है, ऐसा प्राथमिक माहिती है। इसके आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है, आरोपी हमारे ताबे में है और आगे की पूछताछ चालू है। और डेफिनेटली अगर कोई बच्ची जो 18 साल की कम की बच्ची है या उसके ऊपर की भी कोई लड़की है जो परेशान है या किसी कारण से घर में बात नहीं कर रही है या ज़्यादा समय दोस्तों के यहाँ बिता रही है, ऐसा कुछ अनयूजुअल चीज़ें अगर कुछ कर रही है तो उसके पेरेंट्स को इमीडिएटली उसके साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन आना चाहिए उन्हें। हमारे काउंसलर्स रहते हैं, हमारी महिला पुलिस रहती है, महिला अधिकारी रहती है, वो उनके साथ में बात करके उनका काउंसलिंग कर सकती है और उनको जो कुछ अड़चन है वो दूर की जा सकती है। तो ऐसा कुछ भी अगर अनयूजुअल दिखे तो प्लीज़ आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए। झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट हिल्स रोपवे सर्विसेज में फंसे लगभग 40 पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना को 10 अप्रैल 2022 की रात में एक अनुरोध मिला। अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए आईएफ ने 11 अप्रैल 2022 की सुबह एक MI-17 और एक MI-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया। आईएफ के दल में ऑपरेशन करने के लिए आईएफ गरुड़ कमांडो का एक घटक भी है। सुबह एक हेलीकॉप्टर से रेकी की गई और जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ समन्वय में काम चल रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के निवास सिल्वर ओक पर पथराव और हमले के बाद रविवार को उनकी पहली बार नागपुर में आगमन हुआ। हमले के बाद कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी तीव्र थी। ऐसे में उनके आगमन को देखते हुए नागपुर विमानतल पर सुरक्षा बंदोबस्त तगड़ा किया था। अमराती दौरे पर आए शरद पवार का रविवार को नागपुर विमानतल पर आगमन हुआ। फिलहाल नागपुर में एनसीपी का एक भी विधायक या मंत्री नहीं है, इसलिए कांग्रेस नेता व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने उनकी अगवानी की। इसके बाद शरद पवार ने एक एक कर राकपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से स्वागत स्वीकारा। इस दौरान हजारों की संख्या में जुटे राकपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका जोश से भरा स्वागत किया। ढोल ताशों की धुन और उनके स्वागत में लग रहे नारों से परिसर गूंज रहा था। 100 सवाल का एक जवाब, शरद पवार जैसे भी नारे लगे। कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश को देखते हुए पवार ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। राकपा के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे की अध्यक्षता में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे सीधे अमरावती के लिए रवाना हो गए। वाहन में उनके साथ पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार और पूर्व मंत्री रमेश बंग भी रवाना हुए। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। शरद पवार अगर मुख्यमंत्री होते तो महाराष्ट्र की तस्वीर थोड़ी अलग होती, ऐसा वक्तव्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने किया। यशोमती ठाकुर के इस बयान से सवाल उठता है कि क्या गठबंधन सरकार की मौजूदा तस्वीर यशोमती ठाकुर के लिए संतोषजनक नहीं है। राकपा अध्यक्ष शरद पवार अमरावती के दौरे पर है। अमरावती के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में शरद पवार की उपस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण और हॉल का उद्घाटन किया। इस दरमियान महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर व नेता उपस्थित थे। तुमच्यासाठी आणि किती बोलावं, छोटी मुंह छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन साहेब आपण जर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतात तर मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचं चित्र अजून काय राहिलं असतं। महाविकास टाळे वाजायला काहीच हरकत नाही आणि पवार साहेबांसाठी तर जोरदार तालिया म्हणेलो। महाविकास आघाडी ज्या वेळेला झाली हो 4 वेळेला साहेब मुख्यमंत्री होते, पण आज काळाची गरज आहे आणि म्हणून ज्या वेळेला महाविकास आघाडी म्हणजे निवडणुका झाल्या त्यावेळेला मी म्हटलं होतं, पवारसाहेब मला म्हणाले होते की हो मी ऐकलं तुझं TV वर, मला कोणी काही सांगितलं नव्हतं, पण पवारसाहेब या ठिकाणी आहेत, आपल्या सोबत आहेत, आपल्याला मार्गदर्शन करण्यामध्ये आहे आणि कोणीही कितीही काहीही कितीही तीर मारले तरी महाराष्ट्र हा स्टेबलच राहणार एवढं या ठिकाणी प्रांजळपणे सांगते आणि थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि के पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में मर्यादा पुरुषोत्तम सियापति राम का जन्म हुआ था। इस वर्ष 10 अप्रैल को शहर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई गई। रविवार को पूरा शहर राम की भक्ति में तल्लीन दिखा। इसी श्रृंखला में शहर के उत्तर नागपुर परिसर में भी पवार समाज की ओर से श्री रामनवमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भजन कीर्तन और रंगारंग कार्यक्रम के साथ रामनवमी का पर्व पवार समाज की ओर से बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जय 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 जय
की जय। आज उत्तर नागपुर पुआर संगठन के सभी पदाधिकारी और समिति के सदस्यगण और पूरे आज आइए, उत्तर नागपुर समाज का पूरा आयोजक है। आज ये नारा प्रभाग नंबर एक और उत्तर नागपुर के सारी जनता को आज अपन महाप्रसाद एक बड़े भव्य महाप्रसाद के रूप में एक मैसेज देना चाहते हैं कि समाज एक भगवान राम के साथ में जुड़ा हुआ है और इसका नेतृत्व पूरा संगठन के साथ में जोर शोर के साथ में ये रामनवमी जयंती बना रहे हैं। बोलो जय जय श्री राम। आज राजा भोज और प्लस रामनवमी जयंती का मतलब कार्यक्रम पोवार समाज की ओर से, उत्तर नागपुर पोवार समाज क्या क्या कर रहे हैं इसमें? महाप्रसाद, भजन कीर्तन, पूजा पाठ और अतिथियों का सम्मान भी किया है। आपके समाज से क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? हमारे समाज से तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हनुमान जयंती होती है, रामनवमी होती है, दुर्गा नवमी होती है, दुर्गा पूजा, राजा भोज जयंती होती है। खबरों के सिलसिले में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर शहर भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जय श्री राम के नारों के साथ पूरा शहर राम की भक्ति में तल्लीन हो गया था। इसी श्रृंखला में रविवार को नागपुर ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन की ओर से बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई गई। नागपुर ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के लिए ये सौभाग्य की बात थी कि उनकी नवी वर्षगांठ और रामनवमी एक ही दिन थे, जिसके चलते उत्साह दोगुना हो गया। श्री राम जी की आरती कर इस वक्त उत्सव की शुरुआत की गई, जिसके पश्चात केक काटकर जश्न मनाया गया। वही कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद के साथ हुआ। वीकेबी न्यूज के साथ बात करते हुए अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा ने अधिक जानकारी साझा की। आज जैसा कि आज हमारा ये नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन अपनी 9वीं वर्षगांठ और साथ में भगवान राम जी का जन्मोत्सव रामनवमी का त्योहार मना रहा है, इस संबंध में इस अवसर पर हमारे नागपुर नगर के गणमान्य नागरिक, हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के सभी लोग यहां पर हर्षोल्लास के साथ में यहां पर मना रहे हैं भगवान श्री राम का। अभी यहां पर आरती महाप्रसाद होने के बाद में हमारे यहां अपहारी वर्षगांठ का
केक भी काटा जा रहा है। इस कारण हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में पूरा कार्यक्रम बहुत ही उल्लास के साथ में मना रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर बात करते हुए भाजपा प्रदेश सचिव धर्मपाल मिश्राम ने कहा कि महात्मा फुले ने शिक्षा से वंचित लड़कियों को शिक्षित किया, लड़कियों की पहली विद्यालय स्थापित की और लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्हें अपने गुरु के रूप में पूछते थे। ऐसे महान व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी आज जयंती समारोह मनाया जा रहा है। वही इस वक्त उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को अभिवादन भी किया। आज महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती, ज्यांनी अस्पृश्यतेनं मखमखलेल्या वकवकलेल्या या देशाला, जेव्हा अस्पृश्यांना पिण्याचं पाणी देखील मिळत नव्हतं, महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी पाण्याचा हौद खुला केला। जेव्हा शिक्षणापासून वंचित ठेवल्या जात होतं, तेव्हा महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शेण माती दगड खाऊनही या देशातल्या महिलांना अस्पृश्यांना शिक्षणाची दारं खुली केली। आणि म्हणूनच परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुलेंना गुरु मानायचे। आज परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांच्या गुरुस्थानी असलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती आहे। मी भारतीय जनता पक्षाचा प्रदेश सचिव म्हणून आणि प्रवक्ता म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं महात्मा ज्योतिबा फुलेंना त्यांच्या जन्मदिनी अभिवादन करतो। खूप खूप धन्यवाद। महिला शिक्षा के लिए अथक संघर्ष करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक और क्रांतिकारी कार्यकर्ते थे। आज यानी 11 अप्रैल को इनकी जयंती के अवसर पर महात्मा फुले शिक्षण संस्था की ओर से भव्य स्कूटर रैली निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था के लोगों ने सहभाग लिया। बता दें कि ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन महिलाओं और दलितों के उत्थान में लगा दिया। उन्हीं की देन से महिलाएं आज समाज में आत्मनिर्भर होकर कार्य कर रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती शांति से मनाई जाए, ऐसा आवाहन करते हुए सोमवार को नई कामठी परिसर में शांतता कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शांतता कमेटी के सदस्य मौजूद थे। इस संदर्भ में बात करते हुए पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने बताया कि इस वक्त 14 अप्रैल को लेकर चर्चा की गयी। गोंधळ घालण्याचे प्रकार कमी व्हावे यासाठी आम्ही आमच्यापर्यंत सर्व प्रयत्न करणार आहोत आणि मला वाटतं 14 एप्रिलला कदाचित दारू बंद असेल। जे जे शक्य आहे ते आम्ही करू। तुम्ही काही लोकांनी रेफर होते मांडले की जसे जयस्तंभ चौक आहे त्या ठिकाणी ट्राफिक जाम होते, मला ही सूचना तुम्हाला करायची होती, तुम्ही उल्लेख केला ते बरं झालं। कारण आपल्या रॅलीचे टायमिंग आता आमच्याकडे जे फीडबॅक आहे किंवा मागच्या वेळेसचं जे रेकॉर्ड आहे त्यानुसार कमीत कमी 16 रॅलीज जे परमिशन घेतात अशा 16 रॅलीज निघणार आहे। जे परमिशन घेत नाही किंवा काय त्यांनी सुद्धा आमच्याकडे अर्ज करा रितसर। त्यामध्ये तुमचे कोण अध्यक्ष आहे, त्याचे जबाबदार मंडळ कोण आहे, किती वाजता निघणार आहे, किती लोक सहभागी असणार आहे, तुमचा रूट काय असणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला तुम्ही आधी देणं फार आवश्यक आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये रॅली निघणार आहे, पोलीस शादी में डांस जैसी मामूली चीज को लेकर वर और वधु पक्ष के बीच हाथापाई होने का एक अजीबोगरीब मामला कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही पुलिस द्वारा इस मामले की जांच जारी है, ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक अमोल देशमुख ने दी। काल कपिल नगर शादी या ठिकाणी एका लग्न समारंभाचं रिसेप्शन होतं। मुलगा जो आहे तो खसळा गावातला होता, अश्विन नरेजर ताबाने त्याचं लग्न रिसेप्शन होतं खसळा गावामध्ये। नवरी मुलगी आहे ती राहणार अमरनगर एमआडीसी फुलडेशन या भागात होती। रिसेप्शन करता नवरी मुलीचे नातेवाईक मित्र तसेच मुलाकडचे जे मित्र आहेत ते सर्व उपस्थित होते।
मुलाच्या घरी कार्यक्रम सुरू असताना त्या ठिकाणी घरगुती स्पीकरवर गाणी वाजून त्याच्यावर डान्स वगैरे करायचं सुरू होतं. त्यावेळेस नवरी मुलीकडील जे लोक आले होते त्यांनी अभद्र पद्धतीने डान्स करत असल्याने गाणं गात असल्याने काही लोकांनी गावातील स्पीकर बंद केला आणि त्याचा राग येऊन त्यांनी सांगितलं की आम्हाला डान्स करायचा आहे, अजून स्पीकर सुरू करा. तर त्याच्यामुळे त्यांच्यात वाद झाला. ते वादामध्ये जो फिर्यादी आहे याला नवीकडच्या लोकांनी त्या तीन चार लोकांनी मिळून मारहाण केली म्हणून जखमी जो आपल्याकडे आहे अभिषेक इंगोले हा त्या ठिकाणी आला की माझ्या भावाला का मारहाण केली म्हणून. त्यावेळेस यातील आरोपी जे आहेत, एक नंबर आरोपी आहे पारस बिटले, दोन नंबर रत्नदीप बागडे, तीन आकाश यादव, सागर शिंदे या चौघांनी अभिषेक इंगोले याला बाजूला घेऊन मारहाण करायला सुरुवात केली. त्यावेळी त्यातील एक जणाने त्याच्याकडील चाकू काढून अभिषेकच्या पोटावरती छातीवरती त्याने वार केलेला आहे. त्याच्यानंतर ते तिथून पळून गेले. जखमीला स्थानिक लोकांनी हॉस्पिटलमध्ये भरती केलेलं आहे. त्याची प्रकृती स्थिर आहे. यातील गुन्ह्यातील पारस बिटले, सागर शिंदे दोन आरोपींना अटक केली आहे. तिसरा आरोपी आहे तो विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे, त्यालाही ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि घटनास्थळ शांतता आहे. सध्या गुन्ह्यागत तपास सुद्धा पुढील कारवाई केली जाते. सर यातील सर मुख्य कारण काय आहे? फक्त स्पीकर बंद करण्याच्या कारणाहून झाला आहे आणि सर यातील जे आरोपी आहे सर त्याच्यावर काही गुन्हा दाखल आहे का? पुढील काही काय सांगता येणार? प्राथमिक फक्त कारण तिचे स्पीकर बंद केल्यावरूनच आहे. बाकी एकमेकांची काही परिचय नव्हता कारण फर्स्ट टाइम ते एकमेकाला भेटत होते. घटनेच्या वेळी डान्स करताना मध्ये स्पीकर बंद केल्यामुळेच झालेला घटना आहे. आणि याच्यामध्ये जो आरोपी आहे पारस पिटले आणि सागर शिंदे यांचं काय रेकॉर्ड मिळून आलं नाही. तसंच जो फरार आरोपी रत्नदीप बागडे याच्यावरती काही गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचं दिसून आलेलं नाही. वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया. पकड़ा गया आरोपी नाइक तालाब बांग्लादेश निवासी रोहित रामा धकाते बताया गया. इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक विनायक गोले ने अधिक जानकारी साझा की. रोहित ने विगत 31 मार्च की दोपहर तहसील थाना क्षेत्र से राजू पराते नामक व्यक्ति का दुपहिया वाहन चोरी किया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की. रोहित को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने चोरी की कबूली दी. इसके अलावा मस्कासात परिसर से भी एक वाहन चोरी करने की जानकारी दी. पुलिस की नाकाबंदी से बचने के लिए उसने गाड़ी गीतांजलि सिनेमा के पास लावारिस छोड़ दी थी. दोनों वाहन पुलिस ने जब्त कर लिए. तहसील पुलिस थाने के एरिया में जगन्नाथ बुधवार टीबी हॉस्पिटल के यहाँ पे फिरियादी राजू बाबूराव पराते वही 56 रानार पाचपावली एरिया, ये इन्होंने अपना मोटरसाइकिल बाइक हॉस्पिटल के सामने लगाने के बाद में जब वो वापस आए तभी उनका मोटरसाइकिल कोई अज्ञात आरोपी ने चोरी किया था. उन्होंने कंप्लेंट देने के बाद तहसील पुलिस थाने में CR नंबर 210/2022 कलम 379 IPC के तहत गुनाह रजिस्टर किया था. हमारे DB पतक के अमलदारों ने इसमें से अच्छा मालूम निकाल के खबरों के जरिए आरोपी नामे रोहित रामा धकाते वह 22 वर्ष इनको इस गुने में अरेस्ट किया है. गुने के तहत इंट्रोगेशन करने के बाद में इन्होंने तहसील पुलिस थाने का और एक मोटरसाइकिल जो CR नंबर 999-999-2021 है उसमें भी एक मोटरसाइकिल चोरी किया था. ऐसा मालूम निकालने के बाद में कोर्ट के जरिए उनको ये गुने में भी अरेस्ट किया जा रहा है. ये आरोपी रोहित रामा धकाते इन्होंने तहसील पुलिस थाने में दो बाइक चोरी के गुने किए हैं और नागपुर शहर में और कोई मोटरसाइकिल चोरी किया है इसका मालूम हमारे डिटेक्शन की टीम कर रहे. ये कार्रवाई DCP जोन 3 श्री राजमाने सर, ACP श्री संजय सुरेश सर, सीनियर PI श्री तृप्ति सोनोने मैडम और हमारे मार्गदर्शन के तहत डिटेक्शन के PSI भवाल, शनिवार ASI ठाकुर, शंभू सिंह और हवलदार यशवंत, कॉन्स्टेबल पंकज बागड़े इन्होंने अच्छी तरीके से ये डिटेक्शन किया है. नागरिकों से हमारा आह्वान है कि जब आप मार्केट में जहाँ खरीदी के लिए जाते हो, कोई हॉस्पिटल जाते हो तो अपने मोटरसाइकिल या अपने बाइक को लॉक किया जाए. कोई भी विदाउट लॉक किया या कोई भी चाबी छोड़ के वहाँ पर मत जाए ताकि कोई भी आरोपी ऐसे गुनहगार बाइक चोरी करने की उनका ये हौसला न बढ़े. धन्यवाद. सिंधु एजुकेशन के संस्थापक शिक्षा महर्षि KC बजाज की जयंती के अवसर पर उनकी याद में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिससे जरूरतमंद लोग मुफ्त में लाभ उठा सके और इस कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोग सहभाग ले सके.
सिंधु एजुकेशन के संस्थापक शिक्षा महर्षि केसी बजाज की जयंती के अवसर पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डेंटल ट्रीटमेंट, मेडिकल पीडियाट्रिक जैसे व्यवस्था की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसका लाभ उठा सके। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप का गवर्नमेंट अस्पताल के साथ आयोजन किया गया ताकि ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को मुफ्त में ब्लड मिल सके। और जब तक केसी बजाज थे, उन्होंने अपने जीवन में लोगों की मदद की, तो उनके याद में इस कैंप का आयोजन किया गया जिसमें ज़रूरतमंद लोग लाभ उठा सके। साथ ही लोगों को मुफ्त में चश्मे भी उपलब्ध कराए गए। यह सैल्यूट तिरंगा सिंधु एजुकेशन सोसाइटी कवच फाउंडेशन की ओर से संयुक्त आयोजन किया गया। साथ ही सिंधु एजुकेशन सोसाइटी गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्ति हेतु है। आज 11 अप्रैल सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक शिक्षा महर्षि पूजनीय श्री केसी बजाज जी की जयंती के अवसर पर हमने एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें डेंटल ट्रीटमेंट, मेडिकल, पीडियाट्रिक और सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हमने वो यहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध करने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उसका फ़ायदा उठाएं। ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है, वो भी हमने गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के साथ रखा है ताकि जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उन्हें मुफ्त में वो ब्लड मिल सके। और जब तक केसी बजाज जी थे, उन्होंने अपने जीवन शैली से, अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद की, तो आज ये एक अर्पण है उनके चरणों में हमारी ओर से। ये गरीब लोगों के लिए, ये सभी लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हम मुफ्त में चश्मे भी बांट रहे हैं। जितना हो सके हम कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम काम आ सके। ये सैल्यूट तिरंगा, कवच फाउंडेशन और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संयुक्त आयोजन किया गया है। वीकेबी न्यूज़ के प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।